हुआ है, डैशबोर्ड है पूरा, मतलब कि आपको ऐसा लगेगा एकदम आप किसी उसमें हवाई जहाज में बैठे हुए हो, और मतलब पूरा ऐसा आपको फील आएगा। क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगी। मैंने बहुत सारी गाड़ियों का रिव्यू किया, BMW, ऑडी, उन सब में भी ये सारी मतलब ये चीज़ मुझे नहीं मिली देखने के लिए। ये जो मतलब अपना एयरक्राफ्ट होता है उसमें ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, जो लड़ाकू विमान होते हैं फाइटर जेट्स वगैरह में, वो सब में आपको ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। और इसको अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट भी कर सकते हो, घुमा सकते हो, मतलब पूरा ये रोटेट हो जाता है यहाँ से आप देख सकते हो, और यहाँ से आप प्रेस करके आप इलेक्ट्रिकली इसको घुमा सकते हो। ये चीज मुझे काफी शानदार लगी और जबरदस्त लगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों तो फ्रंट में यहां पर आपको देख सकते हो BYD का फ्रंट में आपको बड़ा सा लोगो देखने के लिए मिल जाएगा और कंपनी की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी। और यहां पर आप देख सकते हो 360 डिग्री कैमरा आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अपने लैंप्स देख सकते हो, जो प्रोजेक्टर लैंप है दोस्तों, LED लैंप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही क्लासिक और बहुत ही प्यारे और बहुत ही प्रीमियम लग रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। और आगे की जो ग्रिल है वो भी बहुत प्यारी है। यहाँ पर आप देख सकते हो अपने जो सेंसर रहेंगे, एक उसके बाद में दो सेंसर फ्रंट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो अपने 360 कैमरा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना पावरफुल बोनट देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो अपने रेनवाइज़र, जो कि बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लग रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही प्रीमियम रेनवाइज़र आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और साइड के जो ORVM है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और ORVM के ऊपर ही आपको जो टर्निंग इंडिकेटर्स है वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और इस गाड़ी से, इस कार से आप दूसरी कार को भी चार्ज कर सकते हो दोस्तों। और यहाँ पर आपको इसका सॉकेट देखने के लिए मिल जाएगा, टू व्हीलर वगैरह को आप यहां से इजीली चार्ज कर सकते हो। ये आप देख सकते हो डबल सॉकेट यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, इससे इजीली आप दूसरी गाड़ियों को भी आप इजीली चार्ज कर सकते हो और अपनी व्हीकल को यूज़ कर सकते हो। और ग्रेजेट वगैरह भी आप इससे इजीली आप ये कर सकते हो दोस्तों, चार्ज कर सकते हो। तो अभी इसको फ़िलहाल मैं लगा देता हूँ वापस यहाँ पर, या यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से ये लॉक हो जाता है दोस्तों। 520 किलोमीटर की इसकी रेंज है और बहुत ही प्यारी और प्रीमियम लग रही है दोस्तों। तो इसकी एक एक करके मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ, क्या इसका प्राइस है, क्या रेंज है, एवरीथिंग अबाउट दिस व्हीकल। तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आप देख सकते हो कितनी प्यारी और कितनी प्रीमियम लग रही है दोस्तों ये कार। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रंट से इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ एक एक करके मैं। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी ब्रांडिंग BYD यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी सारी डिटेल वगैरह, सब कुछ यहाँ पर सब कुछ मेंशन है, और मैं एक एक करके आपको सारी डिटेल दूंगा इस कार की, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों थम्स अप लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए भाई के चैनल को। और यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्ड योर ड्रीम लिखा हुआ है दोस्तों, और कहाँ से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, सारी डिटेल वगैरह सब कुछ है अपने पास में। यहाँ पर लगाया हुआ अभी ये सारे, और इस कार का मैं अभी रिव्यू कर चुका हूँ दोस्तों। अगर अभी तक आपने इसका रिव्यू नहीं देखा है तो फटाफट जाकर आप देख लीजिए, भाई के चैनल पे अवेलेबल है, और फटाफट से आप इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो साइड से कुछ लुक ऐसा रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कितने प्यारी और प्रीमियम लग रही है दोस्तों ये कार, इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी नाइस। तो अब मैं आपको, नमस्कार दोस्तों, तो मैं अभी बैठा हूँ नेक्स्ट इलेक्ट्रिक कार के अंदर में, और इसके फीचर आप देखकर चौंक जाओगे दोस्तों। ये की जो रेंज है दोस्तों, अभी तक इतनी रेंज कोई और दूसरी कार नहीं दे रही है दोस्तों। इस गाड़ी की जो रेंज है दोस्तों, 520 किलोमीटर की रेंज ये प्रोवाइड कराती है, और एकदम स्पोर्ट्स कार की तरह है दोस्तों। और इसका एक फीचर मुझे बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त लगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक बटन दिया है, जैसे इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये अपने आप रोटेट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त लगी दोस्तों। और 360 डिग्री कैमरा है इसमें, आप देख सकते हो वहाँ पे अभी सर बैठे तो यहाँ पे इसमें शो कर रहा है। और टोटल कितने 8 कैमराज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्लस 1, 8, तो टोटल 8 कैमरे हैं दोस्तों इस गाड़ी के अंदर। और इसकी रेंज आप देख सकते हो, अभी आधी चार्ज है ये, और कितनी दिखा रहा है, 330 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, मतलब कि 330 किलोमीटर जा सकते हैं यहाँ से हम लोग, इजिली मैसूर जा सकते हैं, गोइंग एंड कमिंग दोस्तों, मैसूर जाके आ सकते हैं, क्योंकि 150 किलोमीटर है मैसूर एक साइड से दोस्तों, जाने का 150 किलोमीटर और आने का 150 किलोमीटर, तो मतलब मैसूर इजीली हम लोग जाके आ सकते हैं इस गाड़ी से।
और ये गाड़ी अगर फुल चार्ज रहेगी तो 520 किलोमीटर रेंज 521 दोस्तों 521 किलोमीटर की रेंज ये प्रोवाइड कराती है ये गाड़ी, और बहुत शानदार लगी ये चीज। और इसमें एक चीज नहीं दोस्तों, सारी चीजें भर भर के शानदार है। ये वाली चीज आपने कौन सी चीज मतलब गाड़ी में देखी है मेरे को कमेंट कर जरूर बताना दोस्तों। ये गाड़ी में नहीं आता है, ये जो अपने जो जहाज होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, जो टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम में इसको यूज किया जाता है, आपने देखा होगा मूवी वगैरह में और फ्लाइट्स में ये चीज दी जाती है। ये चीज आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल रही है। मैंने भी मतलब 1000+ रिव्यू कर चुका हूं दोस्तों मैं, बट मेरे को ये चीज किसी गाड़ी में नहीं देखने के लिए मिली। इस गाड़ी में ये चीज मुझे देखने के लिए मिली, मुझे बहुत शानदार लगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर की जाए। और बहुत प्यारा और प्रीमियम है, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका स्टार्ट ऑन ऑफ बटन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और जब यहाँ पे मैं ये देख सकते हो नीचे में ब्रेक प्रेस करके फिर यहाँ से प्रेस करना है तब ये ऑन होती है दोस्तों। BYD यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का लोगो और सारी चीजें यहाँ से प्रेस करके मतलब मोड्स चेंज कर सकते हैं। ड्राइव न्यूट्रल रिवर्स इज ड्राइविंग मोड का अलग अलग नॉर्मल स्पोर्ट्स। अच्छा कितने मोड है सर इसके अंदर? तीन मोड आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, ड्राइविंग, स्पोर्ट्स, नॉर्मल, इको, स्पोर्ट्स। नॉर्मल, इको, स्पोर्ट्स, तीन मोड आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों इस गाड़ी के अंदर में। ये चीज काफी बढ़िया और शानदार लगी। और यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं ये सारे AC वेंट्स हैं, और ओवरऑल गाड़ी बहुत ही प्यारी और प्रीमियम लगी दोस्तों मुझे तो। आपको ये गाड़ी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना, और सर ने सारी डिटेल मुझे दे दी है दोस्तों, तो इसका कंप्लीट रिव्यू अपने चैनल पे आने वाला है बहुत जल्दी, तो आप जाकर देख लेना फटाफट से। और सर का नंबर भी मैं मेंशन कर दूंगा, तो वहां से आप इजीली कॉन्टेक्ट कर सकते हो सर के साथ में। और इसमें इतने सारे फीचर है दोस्तों कि आप सुनते मतलब कि आपको सुबह से शाम हो जाएगी, इतने सारे फीचर इस गाड़ी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और 540 लीटर का आपको बड़ा इसमें बूट स्पेस भी देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। एक बार पीछे से इस गाड़ी के अंदर तो यहां से आप देख सकते हो इजीली काफी बड़ा स्पेस आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। और इस गाड़ी के अंदर दोस्तों म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है, वो मैं आपको दिखा देख सकते हो, जो यहां पर आप देख सकते हो जो डिजाइनिंग है, गिटार की डिजाइनिंग यहां पर अंदर में लगाई हुई है। एक बार डोर ओपन करके दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे आप देख सकते हो BYD की ब्रांडिंग है, और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो म्यूजिक सिस्टम का ब्रांड D-Rack, हाई फाई रूम, नहीं D-Rack ब्रांड यूज कर रहा है। हाँ ये ब्रांड यूज कर रहा है कंपनी दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हो इनबिल्ड इसके अंदर गिटार भी लगा हुआ है, सभी चारों डोर में है क्या सर? ये चारों डोर में है दोस्तों, और ये चीज आपने बहुत कम गाड़ियों में देखा होगा, ये जो डिजाइन है ये डोर ओपन करने का यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ से आप डोर ओपन कर सकते हो, और दुनिया भर के फीचर आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ से आप इसको घुमा भी सकते हो दोस्तों। ये चीज मुझे काफी जबरदस्त और शानदार लगी, और इसका डिजाइन देखो एकदम आपको एकदम फ्लाइट वाला ही फीलिंग आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें दो ही पैंडल है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सीलेटर और ब्रेक, दो ही चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। और उसके बाद में काफी बड़ा आपको इसमें ये देखने के लिए मिलेगा आगे का जो व्यू है, क्योंकि काफी खुला स्पेस है। और एयरबैग कितने हैं सर इसके? 7 एयरबैग्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे, और सारे सिक्योरिटी अलर्ट वगैरह सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एडास है, उसके बाद में न्यू एनर्जी है, व्हीकल सेटिंग है और व्हीकल हेल्थ है, सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह सारी चीजें दिखाएगा, एप्स दिखाएगा, एप्पल कारप्ले भी है। यस, इसके अंदर में आपको एप्पल कारप्ले भी देखने के लिए मिलेगा एक बार। तो ऐसे ही पावरफुल वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए हमेशा बनाकर लाता रहता हूं, तो वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल वीडियो मैं आपके लिए हमेशा बनाकर लाता रहता हूं। एवरीडे 6 PM को अपना नया रिव्यू आता है एवरीडे दोस्तों, तो ऐसे ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए भाई के चैनल को जरूर लाइक करें, थम्स अप लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और सभी फैमिली मेंबर के साथ में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।